और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बेदुखे बोल सामने आए हैं। सीएम हेमंत को 4-5 लव जिहाद की नसीहत दी है, मुस्लिम बच्चियों को भगा ले जाने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि हिंदू 40 साल से पहले खतरे पहले रखते हैं, 2-3 गैर कानूनी बीवियां, ज्यादा बच्चे पैदा करने हो तो मुसलमानों से सीखे हिंदू, 40 साल के बाद नहीं रहती बच्चे पैदा करने की क्षमता। ये बयान सामने आया है और आपको बता दें कि AIUDF के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं एक बार। इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं वो लोग, 40 साल से पहले 1-2-3 इल्लीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं, उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। और इस पूरे मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है, बीजेपी समेत तमाम पार्टियां बयान का विरोध कर रही हैं। इसी मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जिस तरह की बात कर रहे हैं इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? तो फालतू बात का प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते। और विजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए असम से। विजय, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे, पूरा बयान सामने आया है, बयान हमने सुना भी है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और क्या सोचकर जो है बदरुद्दीन ने ये पूरा बयान दिया है? हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो मुसलमानों से हिंदू सीखे, ये बयान जो है इनका सामने आया है। बदरुद्दीन अजमल ये बेतुके बयान सामने आए हैं और हेमंत सोरेन को 4-5 लव जिहाद की नसीहत तक दे दी है। आप समझिए कि किस तरीके से पूरा बयान सामने आया है, किस तरीके से आबादी बढ़ानी है, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, इसको लेकर मुसलमानों से सीखे हिंदू, ये बयान सामने आया। और इसके बाद लगातार जो है हर जगह से इस बयान की निंदा हो रही है, विरोध में इस बयान सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि इस तरह का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं जो है उसका विरोध किया जा रहा है। AIUDF के अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल, जिनके ये बेतुके बयान सामने आए हैं और उनका कहना है कि 40 साल बाद बच्चे पैदा करने का जो है मादा नहीं रहता, इसीलिए आप मुसलमानों से सीखिए कि कैसे जो है लव जिहाद करना है, कैसे बच्चे पैदा करने हैं और कैसे जो है मुस्लिम बच्चियों को भगा कर ले जाने की नसीहत दी है। तो ये पूरे बेतुके बयान सामने आए हैं। हिंदू 40 साल से पहले रखते हैं 2-3 गैर कानूनी बीवियां, आप समझिए कि 40 साल से पहले, क्योंकि जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया है बदरुद्दीन का, उनका कहना है कि किस तरीके से हिंदू लोग जो है 40 साल से पहले 2-3 बीवियां रखते हैं वो भी अवैध तरीके से, और ये बयान सामने आया है। इसके बाद चारों तरफ से इस पूरे बयान का जो है विरोध किया जा रहा है। हालांकि सीएम हेमंत को भी उन्होंने लव जिहाद की बात कही है कि 4-5 लव जिहाद करने चाहिए। और विजय शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विजय, पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे, एक बेतुका बयान कहा जा सकता है, इस बयान को क्या सोच समझकर दिया गया है, क्या मौका था जब ये बयान दिया गया और इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? विजय, देखिए मैं बता दूं, पहली प्रतिक्रिया की बता दूं, जो बदरुद्दीन अजमल जो IDF के चीफ है और सांसद भी है और सांसद के मुंह से इस बात की इस तरह से बात निकलना हिंदुओं को लेकर जो 40 साल तक बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है और 20-22 साल की उम्र में 3-4 बीवियां रखते हैं, तो इस सब के बेतुका बयान से लेकर एक तरह से सियासी घमासान तो छिड़ने वाला है। और
हाल ही में जिसे डॉक्टर हिम्मत बिश्वा ने लव जिहाद के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया है, लव जिहाद के खिलाफ उन्होंने कई चैनलों में इंटरव्यू दिया है और उसको लेके बदरुद्दीन अजमल ने इस तरह का मंतव्य किया है हिंदुओं को लेकर, जो हिंदू मुसलमानों से सीखना चाहिए जो किस तरह से बच्चे पैदा किया जाए। अगर 40 साल की उम्र के बाद आप शादी करते हो तो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, तो कैसे वैसे में कैसे आप लोगों की आबादी बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी बात कहा है जब 20 से 22 साल की उम्र में 3 से 4 बीवियां रखते हैं हिंदू लोग, तो उन मुसलमानों से उनको सीखना चाहिए आबादी कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बेतुका बयान है और इस तरह से एक धर्म को, हिंदू धर्म को जिस तरह से एक ठेस पहुंचाया गया और जो प्रतिक्रिया है पूरे असम में इस बात को लेकर पूरी प्रतिक्रिया तेज हो गई है और कई संगठन इसकी घोर निंदा भी किए हैं। और अब देखना यह होगा कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है उनका किस तरह से इसके ऊपर पलटवार होता है, किस तरह से जवाब आता है। लेकिन कई हिंदू संगठन जो है वो सड़क पर भी उतरने की बात कर रहे हैं जी। अब इसका विरोध शुरू होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बेतुका बयान है और इसका विरोध भी अब झेलना पड़ेगा। बदरुद्दीन को बहुत बहुत धन्यवाद।